और एक और बड़ी जानकारी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा से जुड़ी हुई। आज मालवा के नीमच से यात्रा का शुभारंभ होना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यात्रा का शुभारंभ करने के लिए पहुंचेंगे। कल चित्रकूट से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई, जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे थे। सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर ये जन आशीर्वाद यात्रा गुजरेगी और आज नीमच में मौजूद रहेंगे राजनाथ सिंह। यहां से जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज विधिवत रूप से किया जाएगा। और सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रमों को लेकर आपको जानकारी दें। सबसे पहले मुख्यमंत्री आज उज्जैन पहुंचने वाले हैं। उज्जैन में विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम आज है। सुबह 9 बजे का वक्त बताया गया है जब महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होगा। प्रदेश में बारिश के लिए आज पूजा अर्चना की जाएगी। आप जिस तरह से जानते हैं मध्यप्रदेश के अलग अलग जिलों में सूखे के हालात हैं और इसी के चलते किसानों की तरफ से भी मदद की गुहार सरकार के नाम। और इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाकाल मंदिर में पहुंचेंगे, अच्छी बारिश के लिए पूजा करेंगे। उससे पहले कि आपको बताएं कि एमपी मानसून की बेरुखी से लगातार परेशान चल रहा है और प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है। बारिश के लिए लोग टोटके तक का सहारा लेते बाज नहीं आ रहे। देखिए की माला पहने गधे की उल्टी सवारी कर रहे ये शख्स रतलाम के पलसोडा गांव के सरपंच हैं। अब आप सोचेंगे भला सरपंच जी ने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से इन्हें गधे पर बैठाना पड़ा। इन्होंने कोई गलती नहीं की है, रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए अपनी मर्जी से गधे पर बैठे हैं। बारिश का टोटका है ये। रतलाम में मानसून की बेरुखी के बीच ग्रामीण बारिश के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सरपंच को गधे पर उल्टा बैठाकर पूरे गांव में घुमाया। ग्रामीणों का मानना है कि ऐसा करने से इंद्र देवता खुश होकर बारिश करते हैं। यह गांव की सबसे प्राचीन परंपरा है जिसमें से बताया जाता है कि अगर गधे पे उल्टा बैठाकर अगर गांव में उनका भ्रमण किया जाता है तो उससे अच्छी बारिश होती है, क्योंकि अभी जो है पूरी तरीके से सूखाग्रस्त है, काफी दिनों से बारिश नहीं हो रही है, जिससे जो फसलें हैं वो किसानों की काफी खराब हो रही है, जिससे अनेकों अनेक तरह के टोटके किए जा रहे हैं। बारिश के लिए ये टोटका ग्रामीण सालों से आजमा रखे हैं। इलाके में बीते एक महीने से बारिश नहीं हुई है और सोयाबीन की आधी फसल बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में बची फसलों को बचाने के लिए ग्रामीण टोटकों का सहारा ले रहे हैं। ग्रामीणों ने सरपंच को गधे पर बैठकर घुमाने के बाद भगवान शिव के मंदिर में जाकर अच्छी बारिश की कामना भी की। किसान सरकार से आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। गधे का भी एक पुरानी प्राचीन परंपराओं को निभाते हुए गांव के मुखिया को गधे पे बिठा कर गांव का भ्रमण किया गया और अच्छी बारिश हो इसकी मनोकामनाओं के लिए ये सारे टोटके आजमाए जा रहे हैं। मानसून की बेरुखी से सिर्फ रतलाम ही नहीं पूरा एमपी परेशान है। इस बार प्रदेश में सामान्य से 17% कम बारिश हुई है। 27 जिलों में 20 से 46% तक कम बारिश हुई। कम बारिश से किसान तो परेशान है ही, बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है। तापमान में 5 डिग्री से ज्यादा का इजाफा होने से बिजली की मांग 13,500 मेगावाट पहुँच चुकी है, जबकि बीते साल इस वक्त बिजली की डिमांड 10,000 मेगावाट थी। डैम में पानी नहीं भरने के चलते हाइड्रो पावर प्लांट भी बंद पड़े हैं। बिजली की आपूर्ति में कमी आई है। ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती के आदेश दिए गए हैं। रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और एक बार फिर से बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज यहां पर होने वाली है। कमेटी के पास 90 विधानसभाओं के दावेदारों की सूची आज पहुंचेगी। तीन दावेदारों के नामों का पैनल तैयार किया जाना है और उन 3 नामों से किसी एक नाम को कमेटी की तरफ से ही चुना जाएगा। पीसीसी दफ्तर में चुनाव समिति की बैठक भी कल हुई। उस दौरान भी मंथन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ही हुआ और आज भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 90 विधानसभाओं से 3 दावेदारों की सूची आज पहुंचने वाली है। उसके बाद जल्द ही माना जा सकता है कि 6 सितंबर को कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों की सूची जारी हो। और छत्तीसगढ़ में 21 प्रत्याशियों की पहली सूची घोषित होने के साथ ही बीजेपी जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने में भी जुट गई है। चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल विभिन्न क्षेत्रों का दौरा भी लगातार कर रहे हैं। यहां पर विभिन्न वर्गों से मुलाकात करने का कार्यक्रम भी चल रहा है। उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर में मीडिया से भी बातचीत की और कार्य योजना को लेकर बातें साझा की। पिछले 2 दिनों में 2 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा वो कर चुके हैं। पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से लगातार बात करते आ रहे हैं। आम लोगों के साथ भी बातचीत चल रही है।
अभी तक के 1.25 लाख से ऊपर सुझाव आ चुके हैं, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया उसमें 20,000 से ऊपर आए हैं, ईमेल भी जारी किया 3,000 से ऊपर आया है, हार्ड कॉपी में दे रहे हैं लोग, यहाँ पे जो सुझाव पेटी उसमें डाल रहे हैं, इस तरह लगभग 1.25 लाख से ऊपर सुझाव आ चुके हैं। 3 अगस्त से हमारा ये अभियान शुरू था, आज 3 दिसंबर, 1 महीना हो गया और ये हमारा 20 दिन और चलेगा, उसके बाद से हम ऑफिस में बैठ के उसको समीक्षा करेंगे। देखिए घोषणा पत्र में पहुंचने तक अभी हमारा 1 महीने का और समय है, आचार संहिता लगने से पहले हम पूरी तैयारी कर लेंगे और जैसे हमारे शीर्ष नेताओं का ये संदेश रहेगा, आदेश रहेगा, उसके अनुसार वो समिति को हम सौंप देंगे, चुनाव समिति को, चुनाव समिति जब चाहे उसको प्लेस करेगी। और अब मुंगेली से अगली बड़ी खबर, टेढ़ा धौरा पावर स्टेशन में तोड़फोड़ की खबर सामने आई है। बिजली कटौती की समस्या से लोग काफी परेशान चल रहे थे, ग्रामीणों ने पावर स्टेशन में तोड़फोड़ की है। पावर स्टेशन के कर्मचारी डर कर भाग खड़े हुए, पास्टरपुर थाना में उपद्रवियों पर केस भी दर्ज हुआ है। तोड़फोड़ के बाद पूरे इलाके में बिजली भी गुल हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए, ग्रामीण आक्रोशित होकर बिजली कटौती की समस्या से लगातार परेशान चल रहे हैं। और अब सूरजपुर से अगली बड़ी खबर, जहां जंगल में बाघ दिखा है और राहगीरों ने बाघ का वीडियो भी बनाया है। इलाके में बाघ होने की संभावना फिलहाल जाहिर की जा रही है। तस्वीरें देखे, ओडगी वन परिक्षेत्र के गोखनाई जंगल का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो कि राहगीर ये बता रहे हैं कि इन्हीं इलाकों से उन्होंने कैद किए हैं। वन विभाग को भी सूचित किया, संभावना के आधार पर वन विभाग लगातार सर्चिंग में जुटा हुआ है। और पिंडरा से अगली बड़ी खबर, जहां सिवनी मरवाही सड़क पर हाथी नजर आया है। मुख्य मार्ग पर हाथियों का दल जा पहुंचा है। तस्वीरें आप देखें, जान जोखिम में डालकर हाथियों के पास भी लोग पहुंच रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी काफी लोग काफी करीब जाकर खड़े हुए हैं, फसलों और मकानों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। इलाके में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण डरे भी हुए, अलर्ट पर भी है वन अमला, लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि लोग हाथियों से दूरी बनाए रखें, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही भरी तस्वीरें। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 ने मिशन के लक्ष्य को पूरा किया है। चांद से जुड़ी नई नई जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं। चांद के बारे में दुनिया का ज्ञान बढ़ाने के बाद अब प्रज्ञान आराम करने चला गया है, लेकिन भारत का मिशन मून अभी भी जारी है। रिपोर्ट देखिए, मिशन मून के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को अपनी क्षमता बता दी है। मिशन चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है। इस मिशन के जरिए भारत ने वो सफलता हासिल की है जो आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 ने चांद पर सिर्फ सफल लैंडिंग ही नहीं की है, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद से नई नई जानकारियां भी भेजी हैं। चांद पर अपना मिशन पूरा करने के बाद रोवर प्रज्ञान अब आराम करने के लिए चला गया है। इसरो ने इसकी जानकारी दी है और आगे की योजना भी बताई है। रोवर ने पूरा किया अपना मिशन, रोवर की सुरक्षित पार्किंग की गई, अब स्लीप मोड में चला गया है रोवर। APXS और LIPS पेलोड किए गए हैं बंद, उपकरणों के डेटा धरती पर भेजे गए। रोवर की बैटरी फिलहाल पूरी तरह चार्ज है।